की हाल चाल? बढ़िया सब भाई। फ्रूटी की बॉटल, खाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में आप हुक्का कैसे तैयार कर सकते हो? ये घर में आपके पाइप होते हैं ऐसे, जैसे पानी वानी टंकी से लेते हो, ये पाइप और ये कटोरी जैसे होती है, दो कटोरी लेनी है, एक बड़ी और दूसरी छोटी जिसमें एक फंस जाए। अब इसमें छेद करेंगे, होगा क्या, ये कटोरी यहाँ पर फिक्स हो जाएगी ऐसे, ये फिक्स हो गई, ये यहीं पर रहेगी और इसमें से एक पाइप जाएगा नीचे, एक पाइप आएगा बाहर, इस कटोरी में एक होगा बड़ा छेद, यहाँ पर बड़ा छेद हो गया और उसमें ही फंसेगी। इसमें पांच छेद होंगे, ये बनेगी हमारी चिलम जो होती है ना हुक्के की, वो वाली चिलम इसको बनाएंगे, ये ऐसे फिक्स हो जाएगी करेगी यहाँ पे, ये टाइट हो जाएगी तो धुआं आराम से निकल जाएगा। पहले कटोरियों में छेद करते हैं। भाई छेद कर लिया, देखो कटोरी में छेद हो गए हैं, ये बनेगी अपनी चिलम और जो नीचे का बेस था जिसमें पाइप लगेगा ये बन गया छेद। इसे ये कलर चेंज इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसको गरम करके तब छेद करने की कोशिश की थी पर हुआ नहीं, सीधा इसमें जब मारा ढंग से हथौड़े तब जाके इसमें छेद हो गया, प्रॉपर इसमें पाइप जा रहा है। अब ये यहाँ पर लग जाएगी, चिलम यहाँ लग गई और यहाँ से पाइप जाएगा, पर इसमें सीधा मेटल हीट ना करे इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें मुल्तानी का लेप लगा देंगे। एक ये मुल्तानी है, मुल्तानी हो आपके घर पे या फिर चिकनी मट्टी हो, मट्टी का एक लेप लगा देना बस, इस पे पूरी कटोरी पे एक लेप लगा दूंगा मैं, तो अब लगभग पूरा लेप लग गया कटोरी पे। अब इसके छेद खोलेंगे और ये अभी गीला है सारा, मतलब जो वो लगाई ना मुल्तानी वो अभी गीली है तो इसको सूखने के लिए रख देते हैं ये साइड में। अब क्या करेंगे, अपनी बॉटल तैयार, ये पाइप जो है ना ये पाइप इस बॉटल में लगाएंगे, इसके टुकड़े करके, यहाँ ढक्कन भी तो काटना है, ढक्कन के शेप में काटना है हमको, ढक्कन काटना है इस कटोरी के, यहाँ पे फिक्स हो जाए, इसे ग्लू गन से यहाँ पे चिपकाना ना, तो इस ढक्कन में यहाँ पे छेद करके पाइप लगेगा, ऐसे ऐसे पाइप लगेगा, तो ढक्कन में छेद करते हैं पहले। एक पाइप काट लेना, पाइप का टुकड़ा कितना, जो बॉटल में बॉटम तक टच ना करे, बॉटम से इतना ऊपर आ जाए, मतलब देखो लेंथ क्या है इसकी, यहाँ तक आ रहा है और थोड़ा सा इसके ढक्कन के ऊपर रहेगा। अब हमें क्या करना है, ढक्कन की जो काटना था ना वो, एक देखो मैंने कितना बड़ा कट गया, ये रहा पाइप कितना लूज है इसमें, हमें काटना है इतना कि पाइप ऐसे आए बिल्कुल फंस के, ये रहा ये पाइप एकदम फंस के आया। अब होगा क्या, ये यहाँ से इसमें टाइट हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे कस जाएगा और जो बाकी हिस्सा है उसको हम इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे फिक्स करेंगे, भी ऐसे आएगा एक कटोरी में, ये इसका कोई काम नहीं, तो उससे पहले कटोरी पे बहुत सारा ग्लू गन। ये पाइप आ गया इधर बाहर और यहाँ पे भी हमें ग्लू डाल के इसको बिल्कुल सील कर देना है। तो अब ये पाइप पूरा सूख गया, अब इसमें मैं इसको फिट कर देता हूँ, ये रहा ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा इसमें परफेक्ट एकदम, पर ये तो इसमें चला गया, अब इसमें से स्मोक जाएगा, इसमें जब पानी भरेंगे तब अंदर चला जाएगा, स्मोक बाहर निकालने के लिए तो यहाँ पे हमें छेद करना पड़ेगा, उस छेद को यहाँ पे करता हूँ, तो ये पाइप भी इसके अंदर जा चुका, ये बिल्कुल टाइट करना है, अगर हम ज़्यादा ढीला रखेंगे ना तो ग्लू गन लगाने के बाद भी वो सील नहीं होगा प्रॉपर, अब इतना चला गया, अब ग्लू गन लग जाएगी ना तो परफेक्टली सील हो जाएगा, इसके ऊपर ग्लू गन लगाएंगे। अब उसका ऑलमोस्ट तैयार हो गया, ये यहाँ पे हमने इसको कस लिया, अब इसके ऊपर जो हमारी चिलम थी है, चिलम भी अब सूख गई, बस चिलम में फ्लेवर डालना है, फ्लेवर कौन सा, ये रहा ये फ्लेवर है। अब ये जो फ्लेवर है ना, आप लोग पूछोगे ये फ्लेवर हमने बनाया कैसे, तो अब पीछे चलते हैं और देखते हैं फ्लेवर बनाया कैसे हमने।
देखा फ्लेवर कैसे बना था। अब इसी रोज फ्लेवर को मैं इसमें ऐड करता हूँ, अपनी चिलम में डाल रहा हूँ। ये फ्लेवर मैंने इतना डाल दिया। और ये कटोरी है घर की गहरी, जो बाहर की चिलम आती है वो इतनी गहरी नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, जब फॉइल लगाएंगे ना ऊपर ये फॉइल, तो इसको नीचे दबा देंगे हल्का सा। अभी देखना, तो ये देखो ये कटोरी जैसी बन गई ना अंदर भी, ये फालतू लेने के बाद ये हुआ। अब इसमें पिन से हमें छेद करने हैं, जैसे आप रेगुलरली करते हैं फॉइल लगाने के बाद। ये हमें फालतू की फॉइल यहाँ पे ऐसे रख लेनी है इन साइड में। क्यों? क्योंकि जब हम इस कटोरी पे लगाएंगे यहाँ पे, अभी इधर आया ये गई इस पे, अब बाकी की फॉइल जो थी वो यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ये कर लिया कवर और ये हमारा उक्का हो गया बिल्कुल तैयार। बस इसके ऊपर हमें कॉइल डालनी है, फ्लेवर आ गया, सब आ गया। अब घर पे कॉइल होती नहीं तो हम क्या करेंगे, या तो लकड़ी के कॉइल यूज़ करेंगे या फिर गोसे कन्ने उपले क्या होता है वो काऊ डंग जो होता है ना उसका यूज़ करेंगे। तो बस अभी कोयले तैयार करते हैं, वो इसके ऊपर रखते हैं। हुक्का हो गया भाई कम्प्लीटली तैयार, ऊपर हमने गोश्ते रख दिए, अरे चिलम बिल्कुल तैयार है। बस खींचो, प्रदेश से हुक्के गए हम, इसका मुंह नहीं लगाते उसमें, यहाँ यूँ लेंगे। हुक्का तैयार। अब ऐसे ही हुक्का आप भी अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। छोटे बच्चों को तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि यार वो नुकसान देती है, स्मोकिंग नुकसान देता है, बट जो लोग हुक्के के शौकीन है, हुक्का पीते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है ये, आप कर सकते हैं। बस इसमें क्या क्या लगा है, कटोरी लगी है, फॉइल लगी है, जो भी आइटम है ना वो सब आपके घर पे मिल जाएगा। फ्लेवर भी घर पे तैयार किया हुआ फ्लेवर है। ग्लिसरीन आपके घर में होती है नहीं है, मम्मी से पूछो, उनके पक्का ब्यूटी के जो भी सामान होते हैं ना उसमें ग्लिसरीन मिलेगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी, हुक्का बढ़िया लगा, तो भाई वीडियो करना लाइक। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।